कि चाइना को, ये हो सकता है कि चाइना के लिए एक ट्रैप हो, क्योंकि चाइना की हिस्ट्री आप देखें तो आज तक वो किसी जंग में नहीं फंसा, और ये हो सकता है कि उस रीजन में चाइना के लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया गया हो और चाइना उसमें आए, और ताकि अमेरिका जो है वो एक कैचअप करे, क्योंकि इकॉनमी जो है वो चाइना की कैचअप नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी सारा इंडियन डायस्पोरा के कब्जे में है। ठीक, यानी अमेरिका आपके मुफाद की तो कोई बात करे ही ना, बाकी इंडिया जो करता है करता रहे, अशरफ गनी जो कहता है कहता रहे। इंडिया का काम जो है वो कुछ और है, उन्होंने जो सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तानी किया था उन्होंने चाइना के साथ करना है, अमेरिका के लिए वो चाइना के साथ करें। अमेरिका के जाने के बाद चीन अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस डर से ग्रस्त है कि कहीं सोवियत रूस की तरह चीन को भी अफगानिस्तान में फंसाने के लिए अमेरिका कोई प्लान तो नहीं बना रहा। और यह भी कहा जा रहा है कि यह प्लान इंडियन लॉबी, जो अभी जो बिडेन के मंत्रिमंडल में शामिल है, उसके दबाव में बनाया गया है। इस एक खबर से पूरी पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल पैदा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर से अफगानिस्तान से नहीं निकला, उसने सिर्फ अपने ट्रुप्स को निकाला है, अपने आप को रीपोजिशन किया है। अब काबुल पर, अफगानिस्तान पर और उनका साथ देने वाली रियासतों पर, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, वो सैंक्शंस के, इक्तिसादी पाबंदियों के हवाले से जो है अपना हथियार जो है वो उसको जरा टाइट रखेगा। और पाकिस्तान, हम जानते हैं, हम डिपेंड करते हैं IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर, एश फैटफ के ऊपर और GSP+ स्टेटस के ऊपर। इसी तरीके से जैसे ईरान के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा होना है, तो अमेरिका ने सिर्फ रीपोजिशन किया अपने आप को। तरुण साहब, मैं देखें इस वक्त आपको पांच चीजें बताना चाहूंगा, जो पांच सिनेरियो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में सियासी हलकों में और सफारती हलकों में जो पांच सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। नंबर वन, उसमें कि चाइना को, ये हो सकता है कि चाइना के लिए एक ट्रैप हो, क्योंकि चाइना की हिस्ट्री आप देखें तो आज तक वो किसी जंग में नहीं फंसा, और ये हो सकता है कि उस रीजन में चाइना के लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया गया हो और चाइना उसमें आए, और ताकि अमेरिका जो है वो एक कैचअप करे, क्योंकि इकॉनमी जो है वो चाइना की कैचअप नहीं हो रही। नंबर वन। दूसरा सिनेरियो इसमें ये डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी सारा इंडियन डायस्पोरा के कब्जे में है, व्हाइट हाउस में कंप्लीटली इस वक्त इंडियन जो है वो अपने मसल फ्लैक्स। इंडिया जो है, इंडिया, मोदी साहब देखें, बात सारी ये है कि एक काम चलें ऐसे कर लेते हैं ना, कि अमेरिका, हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, ठीक है, और अमेरिका के साथ मिलकर हमने एक काम किया, और काम किया कि हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी, काम पूरा किया ना, इत्तेहादी थे, काम पूरा किया। अब मसला ये कि इंडिया का काम जो है वो कुछ और है, उन्होंने जो सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तानी किया था उन्होंने चाइना के साथ करना है, अमेरिका के लिए वो चाइना के साथ करें, वो पाकिस्तान पे गुस्सा ना उतारें अपना। अगर देखें पाकिस्तान ने जो किया वो मतलब काम पूरा करके दे दिया ना, मतलब ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब तालिबान के साथ जंग हो रही थी तो अमेरिका कुछ हमारे साथ है, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया के साथ बन गया, तो उनके साथ था तो फिर उनका काम पूरा हो गया, इंडिया का नहीं हुआ। भाई इत्तेहादी थे ना, तो इत्तेहादियों का पूरा काम करता था हमारे। मोदी साहब, इसलिए आप जिन्होंने आपको सुपारी दी है, आपकी जुबान में मैं बात कर रहा हूं, जो मुंबई की जुबान है, आपको सुपारी दी है उन्होंने चाइना की। इंडिया और इसराइल मिलके मुल्कों के अंदर उनकी सारी साइबर वॉरफेयर करके तकरीबकारी कर रहे हैं, एंड आई थिंक हाई टाइम है कि अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करे कि स्पॉइलर रीजन में कौन है। हमें तो वो कह रहे हैं और हम करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड उनको इंडिया को और इसराइल को भी लगामें लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले तीन चार चीजें, जोहर टाउन का अटैक, उसके बाद दासू डैम का, और उसके बाद अफगान जो एम्बेसडर साहब की बच्ची का, ये सारी चीजें अगर देखें तो सारे इशारे एक ही जगह पे जा रहे हैं, पाकिस्तान को उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर अटैक्स हैं, उसकी गुडविल के ऊपर अटैक्स हैं। तो ये सारी चीजें देखें तो इनके इनके निशान एक ही जगह पे जाते हैं, लेकिन उस पर अब देखें कि इस रीजन में जितना तनाव चल रहा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है वो चाहे अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, और अमेरिका का जो सारा ट्रेंड है वो इंडिया की तरफ है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां की गवर्नमेंट भी इंडियन डिफेंस भी मांग रही है और दूसरी चीजें, और अमेरिका में एक इंप्रेशन लिया जा रहा है अभी तक
कि 3 लाख सोल्जर जो हम वहां पर ट्रेन करके आए हैं दे विल डिफेंड काबुल, तो एक बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन पहले तो अफगानिस्तान देख लीजिए, ये एक गलत इंप्रेशन है दुनिया में कि शायद हमारा तालिबान के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हमारा इन्फ्लुएंस जब तक अमरीका मौजूद था तो हम ये जरूर करते थे कि उनको धक्का लगा के बिठाते थे बार बार कि भाई ये कुछ ना कुछ तुम करो, बैठ जाओ इनके साथ। ठीक, यानी अमरीका आपके मुफाद की तो कोई बात करे ही ना, बाकी इंडिया जो करता है करता रहे, अशरफ गनी जो कहता है कहता रहे। पाकिस्तान अपने हिसाब से दो नावों की सवारी करना चाहा, यानी अमेरिका और चीन दोनों से बराबर का रिश्ता कायम करने की भरपूर कोशिश किया, पर हुआ उसका उल्टा। दोनों देश यानी अमेरिका और चीन दोनों को नाराज कर बैठा। ऊपर से अफगानिस्तान के दिनों दिन बिगड़ते हालात पाकिस्तान की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की गलत कूटनीतिक से वह न घर का रहा न घाट का रहा। विश्व की राजनीति में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि किसी देश को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह किसके साथ है। अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा और तनाव चल रहा है उसमें न्यूट्रल यानी दोनों देशों के प्रति समान व्यवहार रखना या समान दूरी बनाए रखना न तो आज भारत के लिए संभव है और न ही पाकिस्तान के लिए। भारत चीन के खिलाफ हालते जंग में है और अमेरिका भी चीन का विरोधी है, लिहाजा भारत के लिए अमेरिका के साथ जाना एक कूटनीतिक समझ मानी जाती है। उसी तरह पाकिस्तान आज पूरी तरह चीन से आर्थिक मदद के लिए और सैनिक सामजो सामान के लिए आश्रित हो चुका है, तो उसे चीन के साथ जाना मजबूरी बन गया है। वह चाहकर भी अमेरिका के साथ नहीं जाना जा सकता। हालांकि अलबत्ता अभी हाल में ही अमेरिका के नजदीक जाने का एक अवसर आया था और अपने यहां एयरबेस देकर वह अमेरिका के नजदीक जा सकता था और उसके बदले अमेरिका से ज्यादा आर्थिक मदद जो चीन देता है वह प्राप्त कर सकता था, लेकिन बड़बोनेपन में या यूं कह सकते हैं कि चीन के दबाव में हो या तालिबान के दबाव में हो, पाकिस्तान ने वह अवसर खो दिया। साथ ही चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत का विरोधी है, इसलिए दोनों दुश्मनों का आपस में मिल जाना यह एक आम बात है। साथ ही आपको यह बताते चलें कि इन सब के बीच पाकिस्तान यह भूल गया कि आज जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो वित्त प्रदान करती हैं या वित्तीय मदद प्रदान करती हैं या अन्य तरह से किसी देश को मदद करती हैं, उन पर आज भी अमेरिका का ज़्यादा प्रभाव है, चाहे वह IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या APTF हो। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ आए तब तो। दूसरी तरफ जो चीन है वह जो भी मदद आर्थिक करता है या साजो सामान जो सैनिक देता है वह जितना भी देता है उसकी वह भरपूर कीमत वसूल करता है और उस देश को वह अपने कर्ज के चंगुल में फंसा लेता है। आज पाकिस्तान की भी वही स्थिति है कि वह चाहकर भी चीन के चंगुल से नहीं निकल सकता, उसको अगर अवसर मिलता है तो अवसर गंवा देता है और आज पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बड़े खराब होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय